हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू के कुरकुरे लच्छेदार पकोड़े। ये पकोड़े बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आलू के लच्छेदार पकोड़े बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। आलू को हम सबसे पहले छील लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे थोड़े लंबे साइज के आलू लिए हैं, जिससे जो हमारे आलू के लच्छे निकलेंगे वो अच्छे लंबे साइज में रहेंगे। तो दोनों ही आलू को हमें अच्छे से छील लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आलू को छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, आलू को छीलते ही इसे पानी में डीप कर लेंगे, क्योंकि आलू जो है वो बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो छीलते ही इसे हमें पानी में डीप कर लेना है। अब हमें आलू के लच्छे निकाल लेने हैं। ग्रेटर का जो सबसे बड़ा वाला होल्स है, उसी से हम आलू के लच्छे निकालेंगे। इसे ग्रेट करने से पहले आपको मैं दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह से इसे ग्रेट करना है। अगर हम इसकी लंबाई वाले भाग से ग्रेट करेंगे तो अच्छे लंबे साइज के हमारे आलू के लच्छे निकलेंगे। तो इस तरह से हमें इसे ग्रेट कर लेना है। इसे डायरेक्ट पानी में ही ग्रेट करें, नहीं तो आलू जल्दी से काले पड़ जाते हैं। इस तरह से हमें छोटा हिस्सा हटा लेना है और इस तरह से हमें दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो ये बढ़िया से आलू का लच्छा निकल आया है। अब इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। हमें इसका सारा स्टार्च निकाल लेना है। उसके लिए हमें इसे नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लेना है, या जब तक धोना है तब तक हमें पानी अच्छा क्लियर ना दिखाई देने लगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है। आप देख सकते हैं इसका पानी जो है वो एकदम क्लियर लग रहा है। अब इसे हम पानी में ही 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और जैसे ही 2-3 मिनट हो जाते हैं, उसके बाद हम इसमें से पानी अलग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो इससे निकल जाए। आलू में से अच्छे से पानी निकाल ले, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा पानी की क्वांटिटी होगी तो हमें इसमें बाइंडिंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो इनमें से मैंने पानी अच्छी तरह से अलग कर लिया है। अब इन आलू के लच्छों को हम एक अलग बाउल में डाल देंगे, जिसमें हम पकौड़ों के लिए मिक्सचर तैयार करेंगे। तो हमने इसे पानी अच्छी तरह से अलग कर लिया है। अब इसी में हम कुछ बारीक कटी हुई हरा धनिया डालेंगे। 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक काट करके लिया है, इसे डालेंगे। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने 7 से 8 करी पत्ता बारीक कटी हुई ली है, इसे डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने अजवाइन लिया है, आधी छोटी चम्मच। अब बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच बेसन। तो सिर्फ 2 बड़ा चम्मच इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। 2 बड़ा चम्मच चावल का आटा डालेंगे, जिससे हमारे ये पकौड़े हैं वो अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। इसके बाद हम इसमें हल्के से कलर के लिए डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप आलू से अच्छी तरह से पानी अलग करेंगे, तब आपको इसमें बाइंडिंग की ज़रूरत कम पड़ेगी। अगर हम बाइंडिंग ज़्यादा डालते हैं तो आलू का टेस्ट नहीं आएगा और पकौड़े अच्छे क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं, नमक कम हो तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने एक तरफ तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। हल्का से इसे हम हाथों में बाइंड कर देंगे, ताकि तेल में डालते वक्त ये फैले ना। अब हमारा तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। हम ये पकौड़े डालते जाएंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे हम पकौड़ों को गोल्डन कलर आने तक के फ्राई करेंगे और अच्छे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम हो या ठंड का मौसम हो, गर्मा गर्म पकौड़े तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैंने ये पकौड़े 2 आलू से बनाए हैं। आप ज़्यादा क्वान्टिटी में भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इसे ग्रेट करते वक्त या छीलने के बाद आप इसे पानी में ही डीप करके रखें। ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं और झटपट से तैयार हो जाते हैं। आप इस बारिश में इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये आप देख सकते हैं, पकौड़े हमारे धीरे धीरे फ्राई होने शुरू हो गए हैं और ये अब फ्राई हो चुके हैं, अच्छे क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। हम इसे इसी तरह लाइट गोल्डन कलर आने तक के फ्राई करेंगे और ये पकौड़े हमारे बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बने हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के पकोड़े भी रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आलू का लच्छेदार कुरकुरे पकोड़े तैयार है और बहुत ही बढ़िया पकोड़े हमारे रेडी हुए हैं। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मा गर्म पकोड़े सर्व कीजिए हरी चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ। मैं इसे इंजॉय कर रही हूँ हरी चटनी के साथ। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।